नमस्कार। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से उनकी दो चीजें बहुत फेमस हो रही हैं। एक तो उनका हैंडशेक, इतना स्ट्रांग होता है और लेंदी होता है कि दूसरे जो लीडर्स होते हैं उनको शायद थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग रहती होगी। कुछ लोगों का मानना है कि उनका हैंडशेक, उनके स्ट्रांग एक्सटीरियर, उनका जो एक प्रोफाइल है उसको दर्शाता है। पर इतना लेंदी होता है कि 3 से 5 मिनट तक आप देख सकते हैं कि वो दूसरे लीडर का हाथ पकड़े रहते हैं, और वो भी स्ट्रेंथ के साथ, मतलब स्ट्रांग जो हैंड होल्ड होता है उसको मेंटेन रखकर लेंदी रखते हैं अपने हैंडशेक को। और दूसरी चीज जो उनकी बहुत फेमस है, क्योंकि वो व्यापारी से राजनेता बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, तो अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी नीति है हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। फिर चाहे वो इंडिया का मामला हो, वीजा का मामला हो, या फिर चाइना से ट्रेड वॉर हो। फिलहाल चाइना से जो ट्रेड वॉर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने चाइना को धमकी दी है कि अब तुम्हारा जो आयात शुल्क है उसको मैं 10% से 25% तक बढ़ा दूंगा। चाइना के लिए ये सहज नहीं है, चाइना के लिए कंडीशन थोड़ी सी असहज है। चाइना अपने आप को एशिया का लीडर मानता है और वो अमेरिका को एशिया के मार्केट से बाहर चाहता है। वो नहीं चाहता कि अमेरिका कहीं भी एशिया में मार्केट करे अपने प्रोडक्ट्स को। यहां तक कि जो चाइना में इंपोर्ट होते हैं अमेरिकन गुड्स, चाइना उसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस भी मांगता है। कहता है कि हमें अंदर की बातें बताओ, आपने कैसे बनाया इसे, क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई, वो सब बताओ। अमेरिका इससे थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करता है। अमेरिका बोलता है कि जब तुम हमारे यहां कोई प्रोडक्ट भेजते हो तो हम केवल उस पर शुल्क लगाते हैं, अंदर की बातें आपसे नहीं पूछते, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसी पे देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चीन से व्यापार वार्ता के बीच अमेरिका ने कहा कि वह 10 मई को $200 अरब यानी तकरीबन 13.84 लाख करोड़ रुपए के चाइनीज इंपोर्ट पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर देगा। अमेरिका का कहना है कि वार्ता बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ट्वीट कर टैरिफ बढ़ाने की बात कही, साथ ही धमकी दी कि $325 अरब यानी तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त इंपोर्ट पर भी जल्द ही 25% शुल्क लगाया जाएगा। चीन के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का व्यापार वार्ता के सिलसिले में बुधवार को अमेरिका जाने का कार्यक्रम था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप की धमकी की वजह से चीन इसे रद्द कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि चीन 10 महीने से $50 अरब के इंपोर्ट पर 25% और $200 अरब के इंपोर्ट पर 10% शुल्क दे रहा है। चीन के साथ व्यापार वार्ता जारी है, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है क्योंकि चीन फिर से सौदेबाजी करना चाहता है। अमेरिका और चीन के बीच पिछले साल मार्च में ट्रेड वॉर शुरू हुआ था। दोनों देशों ने एक दूसरे पर आयात शुल्क बढ़ाया। नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग G20 में मिले तो ट्रेड वॉर खत्म करने के लिए व्यापार वार्ता शुरू करने पर सहमति बनी। उस वक्त ट्रंप इस बात के लिए राजी हुए थे कि मार्च तक टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। वार्ता जारी रहने की वजह से मार्च में फिर से डेडलाइन बढ़ा दी गई। अमेरिका चाहता है कि चीन के साथ उसका व्यापार घाटा कम हो। पिछले साल ये $378.73 अरब रहा था। यूएस की ये मांग है कि उसके उत्पादों की चीन के बाजार तक पहुंच बढ़े और चीन में अमेरिकी कंपनी पर टेक्नोलॉजी शेयर करने का दबाव खत्म किया जाए। जी हाँ, तो अमेरिका और चीन के बीच में जो ये वॉर है, ट्रेड वॉर, ये बेसिकली अपने आप को ग्लोबल लीडर बनाने की है। और चाइना ग्लोबल लीडर है तो, पर वो एशिया में पूरी तरह से कब्जा चाहता है। अमेरिका को पता है कि एशिया एक बहुत बड़ा बाजार है और इंडिया तो बहुत ही बड़ा बाजार है, तो वो नहीं चाहता कि चाइना किसी भी तरह से एशिया में नंबर वन हो जाए और अमेरिका को बाहर निकाल दे। इसीलिए चाइना और अमेरिका के बीच में जो ये ट्रेड वॉर है, फिलहाल ये लंबी चलने वाली है। इससे भारत को हालांकि थोड़ा सा फायदा है, क्योंकि इन दोनों की वॉर में भारत में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो गुड्स बन रहे हैं, वो प्रेफर किए जा रहे हैं यूएस में भी और चाइना में भी। अब देखना यह है कि ये ट्रेड वॉर कितनी लंबी खिंचती है और कहीं ये ट्रेड वॉर में तो नहीं तब्दील हो जाएगी। मैं हूं वरुण अवस्थी, बिस्तक देखने के लिए धन्यवाद।